चौंतीस रुपया पेट्रोल पर, 34 रुपया डीजल पर ये मोदी सरकार ने प्रति लीटर बढ़ा दिया। और मोदी सरकार के पहले जो रसोई घर ये रसोई गैस जो सिलेंडर है उसकी कीमत मात्र 412 रुपया जो थी वो आज 1200 रुपया हो गया। इस मुद्दा को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और उसका जो है 15 जून को पहली स्तर पर और उसके बाद प्रखंड स्तर पर होने के बाद जिला स्तर पर हम लोग इस कार्यक्रम को तय कर किए हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री की जो उपलब्धियां हैं उसे बीजेपी के तमाम नेता सांसद और विधायक जाएंगे गांव-गांव प्रखंड प्रखंड अपनी उपलब्धियां बताने, तो वहीं इसको जवाब देने के लिए जो महागठबंधन के नेता हैं वो कमर कस चुके हैं। और आज महागठबंधन की अहम बैठक बुलाई गई थी जिसमें महागठबंधन के तमाम नेता राजद कार्यालय पहुंचे थे और राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के नेतृत्व में ये बैठक हुई जो 15 जून से प्रखंड और गांव में जाकर प्रधानमंत्री की कमियों को बताने का काम करेंगे। जो प्रधानमंत्री ने सत्ता में आने से पहले वादे किए थे उस वादों को कितना पूरा किए, ये तमाम चीज़ों को लेकर अब महागठबंधन सड़कों पर उतरकर जो है लोगों के बीच जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाने को मांग को लेकर जो है सहमति बन गई है महागठबंधन में। और आज बैठक खत्म होने के बाद जो है तमाम जो कांग्रेस और RJD और जदयू के नेता थे उन्होंने ये सब कुछ सहमति बना ली है। अब सड़कों पर उतरकर जो है जवाब देने के लिए तैयार है बीजेपी को कमरकश, बीजेपी के लिए खिलाफ उतरने के लिए। तो ऐसे में आपको बता दें कि महागठबंधन ने पूरी तैयारी कर ली है और आज बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं और 15 जून से गांव-गांव और प्रखंड प्रखंड जाकर जो बीजेपी की कमियां हैं, प्रधानमंत्री की कमियां हैं वो बताने का काम करेंगी। तो ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और जदयू राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, दोनों लोगों के बयान हम आपको सुनाते हैं। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। महागठबंधन के सभी साथी बैठे हैं। आगे के कार्यक्रम पर हम सब लोगों ने विचार किया और उस विचार उपरांत आप सबों के सामने हमें उस कार्यक्रम को रखना चाहते हैं। बैठक राजद के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में हुई जिसमें महागठबंधन के सभी साथी, सभी घटक दल के साथी ने तय किया है कि महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हो राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर। और जो भाजपा के जो 9 साल का विफलता है उस विफलता जो विभिन्न मुद्दा आया है, जाति गणना, महंगाई, बेरोजगारी, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, किसानों की आय दुगनी, उन्माद उत्पाद की राजनीति की नहीं चलेगी, दलित गरीबों की आवास एवं खाद्यान्न योजना बंद करने की साजिश, इन सारी मुद्दा को लेकर महागठबंधन ने 15 जून को प्रखंड स्तर प्रखंड कार्यालय के परिषद में धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम करने का महागठबंधन ने निर्णय लिया है। आप जानते हैं गरीबों को मिलने वाली जो जाति गणना है जिससे गरीब को जो फायदा मिलने वाले हैं जिसको भाजपा रोकना चाहती है, और जो महंगाई है जो 24 रुपया पेट्रोल पर, 34 रुपया डीजल पर ये मोदी सरकार ने प्रति लीटर बढ़ा दिया। और मोदी सरकार के पहले जो रसोई घर ये रसोई गैस जो सिलेंडर है उसकी कीमत मात्र 412 रुपया जो थी वो आज 1200 रुपया हो गया। तो महंगाई की जो मार हम लोग जो झेल रहे हैं, जनता झेल रही है, उसको लेकर जो आटे में जो आटे की जो कीमत थी उसमें 52% की बढ़ोतरी, चावल में 43% की बढ़ोतरी, दूध में प्रति लीटर बोल रहे हैं प्रति केजी 56% की बढ़ोतरी, और नमक में 53% की बढ़ोतरी, और बेरोजगारी का आंकड़ा जो है जो निजी संस्थान हैं
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का जो रिपोर्ट आया है उसके मुताबिक जो है जो अभी 41 करोड़ लोगों के पास रोजगार है, मोदी सरकार के पहले 43 करोड़ के लोगों के पास रोजगार था। तो आप समझ लीजिए कि रोजगार में कितना अंतर आया है। मोदी सरकार के पहले रोजगार ज़्यादा था, मोदी सरकार के आने के पहले 3.4% और बाद में बढ़कर 8.1% जो हो गया जो विदेशी कर्ज है जो 409 अरब डॉलर था वो आज 613 अरब डॉलर पहुंच गया है। सारे मुद्दा को लेकर हम लोग जो है पार्टी ने तय किया है, महागठबंधन ने, कि सभी मुद्दा को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और उसका जो है 15 जून को पहली स्तर पर और उसके बाद प्रखंड स्तर पर होने के बाद जिला स्तर पर हम लोग इस कार्यक्रम को तय कर किए हैं, कार्यक्रम तय किया है जो करने जा रहे हैं, इसके लेकर आज बैठक हुई है। तो आपने सुना किस तरीके से उन्होंने कहा कि को कोऑर्डिनेशन कमेटी की गठन को लेकर जो बातें चल रही थी वो सहमति बन गई है और जल्द ही कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी और ऐसे में जो सरकार केंद्र सरकार की जो योजना है जो विफलता है उसे बताने के लिए हम लोग अब सड़क पर उतरेंगे और गांव-गांव प्रखंड प्रखंड जाएंगे और जनता को बताने का काम करेंगे कि प्रधानमंत्री ने चुनाव के समय जो वादे किए थे वो वादे कितने पूरे हुए हैं, चाहे महंगाई बेरोजगारी और 15-15 लाख लोगों के खाते में किसान की जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए कि नहीं, ये तमाम चीज़ों को लेकर अब महागठबंधन ने पूरी तरीके से बीजेपी को जवाब देने के लिए कमर कस ली है। ये सब कुछ 2024 की तैयारी है। अपने सहयोगी कैमरामैन दिवाकर के साथ बने रहें दस न्यूज़ के लिए और देखते रहें दस न्यूज़।